मिनट पढ़न तो बाद पुछते ने भाई इजाजत है नौकरी शुरू एदा मतलब जो 15-20 मिनट बगैर इजाजत तो पढ़ जाए ज़ाकिरा मैं भी हूँ इजाजत है ना कि मैं हूँ आज तक करीमा पढ़ा जी मैं पहले पढ़ी अजीजा ने ग्रामी कदर थोड़े सारे दस फ्रेश हो गया अलहमदुलिल्लाह फजल से आ गया ना फजल अल्लाह फरमाता है हबीब या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबशिरन व नज़ीरन व दाइअन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा मोहम्मद हमने तुझे मुबशिर बना के भेजा नज़ीर बना के भेजा ऐ मेरा हबीब हमने तुझे नबी बना के भेजा मुबशिर बना के भेजा नज़ीर बना के भेजा और अल्लाह की तरफ से दावत देने वाला बना के भेजा मोहम्मद नु साडे जैसे अच भेज के अल्लाह इरशाद फरमांदा है दौलत नु ते पुत्रां नु अल्लाह ने फजल नहीं भेजा फजल कबीर भेजे फजल कबीर होंगे सबूत है कुरान पढ़ देना एक आयत मजीद एक एक ऐब तो उम्मतां दियां शकलां बिगड़ गई ऐब मैं इत्थे पढ़ा तो मुनासिब नहीं क्योंकि मेंबर उन्हां दा जिहड़े बेऐब पुराने बुजुर्ग जो परे पंचायत बहते सन परे बैठी होनी मुंडा एक फड़िया होना जो मुजरम होना ओनू आखना सची दस तेन पया लिया सची दस जरा बुजुर्ग मैं बुजुर्गों को माफी पाव बुजुर्ग आखना पुत्रा सची दस किया ही और सगड़ा चाचा नहीं और फिर वेख नहीं और नहीं जो 8-9 बारी मुंडे ने इनकार करना मुंडा तो इकरार नहीं ना पै करता इकरार जुर्म नहीं पै करता तो बुजुर्ग कितने कु सियाने होंगे सर उन्हें आखना सानू भलाना है असा सारे किते तेरी बुजुर्गी तो मुंडा अजे मनिया नहीं सुन रहे
ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਫਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ਲ ਕਬੀਰ ਹੈ ਮੈਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਬ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਭੁੱਲੇ ਹੈ ਐਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਨੇ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ ਇਹ ਮੈਂ ਉਹ ਐਬ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਬਾਕੀ ਐਬ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਐਬ ਸੀ ਘੱਟ ਤੋਲਣ ਤੋਂ ਮਰੀ ਮੱਛੀ ਮਗਰਮੱਛ ਖਰਗੋਸ਼ ਹਾਥੀ ਰਿੱਛ ਤੇ ਬੰਦਰ ਬਣੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਐਬ ਤੋਂ ਛੇਵਾਂ ਪਾਰਾ ਸੂਰਾ ਮੁਬਾਰਕਾ ਮਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿਰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਹੀ ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣਾ ਛੜੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਸੇ ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬਾਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਫਜ਼ਲੇ ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ 'ਚ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਸ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠ ਹੈ ਜਿਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੀ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਿਸੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਕੀ ਕਰਾਂ ਕਦੀ ਮੈਂ ਆਪ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਇਨਸਾਨ ਆ ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੁਨਾਫਿਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਉਹ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵੱਟ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ
ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਸੂਰ ਅੱਲਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਨਾ ਆਖੀਏ ਯਾ ਆਖੀਏ ਕਿ ਨਾ ਆਖੀਏ ਨਬੀ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨਵਾ ਲੈ ਇੱਥੇ मोहम्मद वो कैसे लोग हैं जो मुझसे कहते हैं कि अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह अगर मोहम्मद सच कहता है तो हम पे अजाब आ जाए गल बारीक भी हाय सदके जावा क्या बात है ये सईदा का काम ही है ये अगे होने चाहिए हुकूमत पिछे होनी चाहिए सुल्तान शाही अगे लग गए ना कुरान की कसम ठीक अगे लगे जेडे अल्लाह नु कह रहे ने अल्लाहुम्मा इन काना हाजा हुवल हक्का अगर ये हक है जो मोहम्मद कहता है तो ए अल्लाह हम पर अजाब आ जाए ये जेडे अल्लाह नु आंदे ने एदा मतलब है बुत परस्त नहीं कैसे बंदे ने अल्लाह नु मनदे ने मोहम्मद दी जुबान ते एतबार नहीं करते अल्लाह नु मनदे ने मोहम्मद दी जुबान ते एतबार नहीं करते अल्लाह अगर मोहम्मद हक कहता है जो कुछ कहता है अगर तेरी तरफ से हक है तो हम पे अजाब नाजल हो जाए मैं कहता अल्लाह तू चिर क्यों फिर कर नबी हक आंदा अल्लाह फरमाता हक आंदे तो मैं क्या आंदे नहीं पे तो सड़ दे अजाब कर तो पर कर तू की प्या वेने अल्लाह फरमाता फिर ना प्या मेरे तो वेख लो आज ना नारा मारना नहीं जी बैठ लगे तुसी पहले ना थां वादा कर छड़े सुभान अल्लाह ऐसा ना ए उस दिन ते बंदे परा परा होण लगे सुभान मुहम्मद हक कहता है तो हम पर अजाब आ जाए मैं क्या नबी आंदा भी हक है ते बंदे जो अजाब हथों पे मंगते ने ते तू किधर ही रखे जिन्हों कि रौला है ना अल्लाह इतने ही आ दस कि
नहीं पता लगता, नहीं पता लगता जिन मुहम्मद के ऐसे होंदा ते वेच होंदा सबूत चाहिए। मैं किताब नहीं दे रहा, अल्लाह फरमाता मुस्तफा एक एक ऐब तो मैं शक्ल तब्दील की। बचे ने एक गल वास्ते बचे ने कि तू इन्हां दे विच छड़ किताबां सारियां शीशे दे सामने खलो के अखां बंद कर, बंद कर अखां शीशे दे सामने खलो के अपनी जिंदगी दे ऐब याद कर। अपने किसे दे नहीं, अपने ऐब याद करके अखां खोल। जे शकल सही है ते मन जाओ कल भी मौजूद सी। बचे हाँ तो मुहम्मद की वजह, नबी मौजूद ने, जिंदा ने, साढ़े बिच ने, ठीक है। पलीत भी बच गए ने उस पाक की वजह, तो बड़े बड़े पलीत इस वास्ते बचे ने भी वह उन्होंने बिच है ना। मेरा नबी हर थां मौजूद है, नबी की जलवा नमाई है, वो रहमत हर थां है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं कुरान हाथ च लेके ते इल्तजा पे करना अल्लाह की इबादत करके उदे कोलों फजल मंगे, अदल ना मंगे। इबादत जरूर करनी है, और ऐसी तो उस पीर ते मुरीद हाँ जिस आख्या मैं दोजख के डर तो नहीं पढ़ता, मैं जन्नत के लालच तो नहीं पढ़ता। मैं तो तेन झुकना इस वास्ते, मैं तू है ही इस लाइक कि तेन झुकया जाए। इस वास्ते करनी इबादत जरूर है, ओ दसो असा नहीं करनी तो किसे और करनी। क्या बात है, एक कोई ते काम है जिन्हां दा पीर हाथ हलाए तो दी बंदगी सकलैन तो वध जाए। जे असा नहीं इबादत नहीं करनी तो बंदे और कोई नहीं। जे इबादत करन वाले खुदा दी कसम, इबादत खुदा दी करके फिर फजल मंगना है, अदल नहीं मंगना। एक बंदे मंगया सी 12 साल पत्थर से खलो के, कह लगा मेरे अदर कर। अल्लाह फरमाया की कीता ही, कह लगा तेरी बात की पत्थर के उत्ते खलो के, और काम ही कोई नहीं किया। किधर गया ही नहीं, ना चोरी ना चुपारी ना किसी की चिगली चुगली ना की पत्थर। अल्लाह फरमाया भावे इतें ही रहें तो भावे निरा ही काम किया ही ना, फिर भी फजल ही मांग। और मेरे अदर ते नबी पूरे नहीं उतरे, तू की है। कह लगा तो मैं बहुत सालों का तो नहीं ना मंगता, 12 सालों का हद नहीं कर रहा, तो बाकी फजल कर छड़ी। जमीन की हर शह मेरी तस्बीह करती है। 12 साल जिसे उत्ते खलोता रहा ना, वो थले करता रहा, मुस्तफा
अपनी शक्ल नहीं बदलनी चाहिए थी। और मैं सोना ना बदलेगी तेरी वजह। अगली गल कर जन्नत कादे वास्ते रखी। अल्लाह फरमाया रखी तो चंगिया बंदे वास्ते, एक किवें देनी है? फरमाया अदल ना। मेरी गल उन्हां बंदियां नाल जिन्हां नूं मौलवियां आखिया, पुत्त तरक्कड़ी लगनी। तरक्कड़ी एक पासे नेकियां, एक पासे बुराइयां। नेकियां बढ़ गईं ते जन्नत च बुराइयां बढ़ गईं ते जहन्नम च। इन्ना ही कियामत है, इही कियामत है कि तरक्कड़ी लगी होनी, बंदे जाना इधर नेकियां उधर बदियां। नेकियां बढ़ गईं ते जन्नत च, बदियां बढ़ गईं ते जहन्नम च। ते जे इन्नी कोई कियामत है ते ये गल अल्लाह का तरला लैन की की लोड़ है कि मुहम्मद नूं मुकामे महमूद ते खदार। जन्नत देनी है, फरमा देनी है किन्हां नूं? चंगियां बंदियां। किवें? फरमा तरक्कड़ी रख। अल्लाह फरमा तरक्कड़ी। कदी तुसी सुप्रीम कोर्ट गए होवे, अल्लाह ना करे, तो सामने तरक्कड़ी एक बनी, हाई कोर्ट दे बाहर भी बनी। किवें मैं अज बराबर बनी? वो तरक्कड़ी ये अदल हुंदा है, उत्थे लिखिया हुंदा अदलिया। निक्किया शहर च लिखिया हुंदा अदालत हाए। जिहड़ी हाए ना कढ़ाए अदालत खे दी। दो गल्लां दी तरक्कड़ी पै बिकदे ने। वकील साहब बैठे मेरे सामने तस्दीक करनगे। अदलिया किन्नू आंदे? जिथे अदल होवे। ऐस जज जोगे जेड़े नहीं ना ओहदे कोल अदल मंगदे ने। जिन्हें तरक्कड़ी लाई है ते नबियां दियां लत्तां कंब गईआं। खुदा दी अज़मत दी कसम, मैं कंबदियां ना विखावां ते मिंबर ते नहीं आवांगा। तरक्कड़ी मेरे सामने न करी। जिदे सामने तरक्कड़ी की नबी आ लगे, ये बंदे उहदे कोलों अदल मंगदे फिरदे। शुक्र कर मुस्तफा ने अल्लाह नाल गल कीती आ। हो सकिया जन्नत किवें देनी है, हो सकिया अदल नाल। नबी जानदे सन आया तेरी इज्जत तो दोवे जहान कुर्बान करा। मैं अपनी सुभान खिताबत जुमले अदा कर रहा, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी ना। मेरे नबी फरमाया या अल्लाह इन्ना मस्कीना नाल अदल करने। अल्लाह फरमाया फिर सोना महबूब तू ही है ते कायनात भी तेरे सदके च बनाई। उंज फिर जो मैं अदल करना ही ना, फिर मैं लिहाज नहीं करना। वो फरमाया वो किवें? फरमाया फिर सौदा करना ही, सौदा करना ही। सौदा ये अताच नहीं, ये फिर अदल होना है। अदल च फरमाया रौला ही कोई नहीं। ते वो रब है ना आलमीन दा, ते तू मैनू बनाया रहमत आलमीन दा।
हलका तेरा भी उठ जाइए, हलका मेरा भी उठ जाइए। देखो किबला एमएनए दा ते कौंसलर दा कोई मुकाबला ते जोड़ नहीं। आवाज आउंदी है तेरे मेरे दरमियान सौदा है, तू मैं